हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। नीट 2022 का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एनटीए के द्वारा बताया गया है, रिलीज़ किया गया है। वो मैं आपको ऑफिशियल पॉइंट बताता हूँ। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन एक एक पॉइंट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन से पहले अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला सीढ़ी जो है उसे सही से फिलअप करना होगा, और दूसरा काउंसलिंग का टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो पॉइंट एनटीए के द्वारा से जो बताई गई है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो प्रिंट आउट द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कंफर्मेशन पेज जो है आप ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रूफ और साथ ही फी जो पेमेंट करेंगे उसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एटलीस्ट 4 से 6 कॉपी आइडेंटिफाई पासपोर्ट साइज और 4 से 6 पोस्टकार्ड साइज फोटो जो है स्कैन किया हुआ जो आपको अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, उसका भी आप उस फोटो का भी एक प्रूफ रखेंगे। यानी एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा कि आपको अब फोटो जो है आइडेंटिटी पासपोर्ट साइट का जो फोटो है या पोस्टकार्ड साइट का फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप पेस्ट कर रहे हैं उसकी भी आप 2-4 कॉपी जरूर रख लें। दूसरी बात, एंटी कैंडिडेट मस्ट बी मोबाइल नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर आप भरेंगे तो सही भरिएगा और उस मोबाइल नंबर को नहीं बदलिएगा, क्योंकि एनटीए के द्वारा से कोई भी बदलाव, किसी तरह का नोटिफिकेशन या किसी तरह का शॉर्ट नोटिस देना होता है तो कैंडिडेट के में एप्लीकेशन फॉर्म पे मिलता है। इसलिए आप नंबर नहीं बदलेंगे और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो एक जगह लिखकर नोट कर लेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पिछले ईयर्स में यानी 2021 में बहुत से बच्चे इस तरह की गलतियां की हैं, इसलिए और जितना पेमेंट होगा वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, कंफर्मेशन फॉर्म यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट एंड द अनसक्सेसफुल इन द केस फेल्यूअर टू द कंप्लीट स्टेप 3 ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉन पेमेंट, यानी अगर जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक यह आपका कंप्लीट अपडेट नहीं होगा एप्लीकेशन। देखिए पूरा डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको यह बता दूं कि आपको अच्छी तरह से पता है 17 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा, ये सिंगल स्टेज एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको जो सेंटर जो है ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर इज मेड बाय द कंप्लीट, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी एक बार अगर आपका सेंटर मिल जाएगा तो उस सेंटर को आप द्वारा चेंज नहीं करवा सकेंगे। तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड एग्जामिनेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो इस तरह के बहुत अपडेट जो है अब मैं इस चैनल पे आपको अपलोड धीरे धीरे करता रहूंगा। अभी स्कैनिंग के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एजुकेशन के लिए अभी बहुत ऐसे चीज है जो मैं आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे रोज वीडियो जो जैसे अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।